अस्सलाम वालेकुम भाई, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एफिड्रा का देखना है, ठीक है। अच्छा भाई, जो इसकी स्टेम है देखा जाइए रिजिज होती है और फोरोज होती है, मतलब एक खुरदरी सी होती है, फोरोज मौजूद होते हैं और रिजिज मौजूद होते हैं। और इसकी अगर आउटलाइन देखी जाए तो ये वेवी फॉर्म है, जैसे आप देख सकेंगे ये वेवी फॉर्म में आपको नजर आ रही है, इसकी आउटलाइन सारी की सारी ये वेवी फॉर्म में होती है। इसकी सबसे जो आपको आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री, इसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर वाली जो बाउंड्री है इसका नाम है एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं सेल्स, इसका नाम है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। और ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इसको नाम देते हैं पिट्स। और इन सुराखों के अंदर मौजूद है स्ट्रोमेटा, मतलब ये जो सुराख हैं छोटे छोटे जो आपको धड़े नजर आएंगे इसका नाम है पिट्स। और पिट्स के अंदर क्या मौजूद है, स्ट्रोमेटा मौजूद है। और आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है दे आर कॉल्ड क्यूटिकल है। अपने देखा जाए जो एपिडर्मस है, जैसे मैंने बताया कि एपिडर्मस को कवर्ड करके रखा हुआ क्यूटिनाइज क्यूटीन की लेयर ने, ठीक है। तो मैं कहता हूं स्टेम इज कवर्ड बाय क्यूटिनाइज एपिडर्मस, ठीक है। अगर देखा जाए इसके पास स्ट्रोमेटा भी मौजूद है, स्ट्रोमेटा भी मौजूद है। और जो स्ट्रोमेटा है ये प्रेजेंट होता है पिट्स के अंदर, जो छोटे छोटे सुराख हैं उनके अंदर मौजूद है। और ये सुराख किस रीजन में मौजूद है, जहाँ पे फोरोस मौजूद है। तो फोरोस में पिट्स हैं और पिट्स के अंदर क्या मौजूद है, स्ट्रोमेटा मौजूद है। इसी तरह ये जो आपको नजर आते हैं एपिडर्मस, उसके नीचे मौजूद है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं बिलो एपिडर्मस, मगर वो रीजन का नाम है, उसका नाम क्या बेटा, इन द रिजिस। तो रिजिस के अंदर जो कि स्क्लेरेंकाइमा सेल मौजूद है और कहाँ पे बेटा, बिलो एपिडर्मस है। अब जैसे कि देखा रहिए पूरा का पूरा आपको सरफेस मैंने बताया एपिडर्मस का, इसके अंदर वाली जो खाली जगह है, ये खाली जगह जिसको कहते हैं कोर्टेक्स। आउटर साइड जो कि पैलिसाइड लेयर बना रही है और जो इनर साइड है वो स्पॉन्जी लेयर बना रही है। और ये स्पॉन्जी और पैलिसाइड दोनों का मिलाओ तो क्या बना, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जिससे बनता है उसका नाम है पेरेंकाइमा सेल्स। और ये वो जगह है जहाँ पे आपको कोलेनकाइमा सेल नजर आते हैं, क्लेरेंकाइमा सेल नजर आते हैं, जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। कोर्टेक्स वो मेन पार्ट है जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। देखो ना, आपको मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज है वो बेटा कौन सा, कोर्टेक्स है। इसके दो पार्ट से मैंने बताया, पेरिफेरल है एक सेंट्रल है। पेरिफेरल कौन सा होता है, जो लूजली अरेंज होते हैं जहाँ पे सेल्स, वो पेरिफेरल पार्ट है। जो कौन सी लेयर बना रहे हैं, पैलिसाइड लेयर। और अगर मैं कहता हूँ सेंट्रल अरेंज, सॉरी नॉट अ लूजली अरेंज, जो कि लूजली अरेंज नहीं है, वो स्पॉन्जी लेयर बनाते हैं। और ये कौन सा पार्ट है बेटा, सेंट्रल पार्ट है। तो सेंट्रल पार्ट स्पॉन्जी लेयर और पेरिफेरल पार्ट कौन सा बेटा, पेरिसाइड लेयर। पेरिफेरल पार्ट मतलब लूजली अरेंज, सेंटर मतलब कि नॉट लूजली अरेंज होता है। अब इसी तरह ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ये जो कवरिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के अंदर आपको ये जो नजर आ रहा है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, जाइलम है, ये फ्लोएम और जाइलम है। और इसके सेंटर में जो नजर आ रहा है इसका नाम पिथ है। ये क्या बेटा, पिथ है। इस पूरे अंदर वाले स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टील। हम इसको क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टील। स्टील का मतलब कि अगर वास्क्यूलर कैम्बियम और पिथ इन दोनों को इकट्ठा नाम देना, दे आर कॉल्ड स्टील। तो स्टील की पहचान क्या, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम है, जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है स्टेम का, दे आर कॉल्ड स्टील। जो किससे सराउंडेड है बेटा, एंडोडर्मिस से। एंडोडर्मिस से उसको कवर किया हुआ सेंट्रल पार्ट का, और उसका नाम क्या, दे आर कॉल्ड स्टील है। और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील है उसका नाम पिथ है। जो स्टील के सेंटर में है, सेंट्रल पार्ट के सेंटर में, जो सेंटर में चीज मौजूद है, दे आर कॉल्ड पिथ है। उसका क्या नाम बेटा, पिथ है। बट जो स्टील है, स्टील इसमें जो सबसे मेन चीज आती है वो है वास्कुलर बंडल, जिसको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये बेटा अगर देखें, ये कोलेटरल होते हैं, कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, इन दोनों की अरेंजमेंट सेम है, फ्लोएम की भी सेम है और जाइलम की सेम है, इसको कहते हैं कोलेटरल। और ये एंड आर्च है। एंड आर्च का मतलब कि जो ओल्डेस्ट होगी वो अंदर की तरफ होगी और जो न्यूवर होगी वो बाहर की तरफ होगी, मतलब जो ओल्डेस्ट जाइलम फ्लोएम है वो आपको इनर साइड पे नजर आएगी और जो न्यूवेस्ट होगी वो आपको आउटर साइड पे, इसे कहते हैं ये एंड आर्च है। और एक जैसी होती है इनकी अरेंजमेंट, दे आर कॉल्ड कोलेटरल होती है, दे आर कॉल्ड कोलेटरल है। जैसे मैंने बताया कि वास्कुलर बंडल जोन से स्टील का मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखते जरा। वास्कुलर बंडल कंटिन्यूस रिंग की फॉर्म में ग्रो करती रहती है, कंटिन्यूस रिंग की फॉर्म में होती है, क्योंकि इसके पास नैरोनस मेडुलरी रेस होती है, मेडुलरी रेस। नैरोनस मेडुलरी रेस का मतलब क्या है, ये देखें, ये आपको मैंने बताया, ये है फ्लोएम और ये अंदर जो मैंने धागे बना रही है जाइलम। इन सब की जो अरेंजमेंट है और इनके दरमियान जो गैप आ रहा है, ये गैप सेम होता है, ये गैप क्या, दोनों का सेम है। और ये नैरो है, इतना ज़्यादा गैप नहीं है।
और इसको कहते हैं मेडुलरी रेज कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेडुलरी रेज है। मदर के वास्कुलर जो बंडल है वो कंटिन्यूस रिंग की फॉर्म में क्यों है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये नैरोनेस ऑफ मेडुलरी रे होते हैं, ये जो गैप होता है ये काफ़ी कम होता है, इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म में ये आपको नजर आती है। एफिड्रा सेम टू सेम जो वेसल्स हैं जो का फिलोइम जो कि आपने देखा होगा फिलोइम, वो सेम टू सेम एंजियोस्पर्म की तरह होती है फिलोइम, क्योंकि फिलोम जो इसकी एफिड्रा की इसके पास पेरेंकाइमा सेल भी है साइव ट्यूब भी है, मगर इसके पास एक चीज एब्सेंट है उसका नाम है कॉम्पेनिया सेल्स। तो एफिड्रा की फिलोम के पास कॉम्पेनिया सेल्स नहीं होते, पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं और बड़ा साइव ट्यूब मौजूद होते हैं। इसके अंदर स्कैंडी ग्रोथ आती है, इसके अंदर स्कैंडी ग्रोथ होती है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि बड़ा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम हो रही है, मतलब यहाँ पे फर्दर डिवीजन होती रहती है, कैम्बियम की फॉर्मेशन होती रहती है और स्कैंडी ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आती है। जो एफिड्रा की स्टेम है इसके पास कोर्क मौजूद है, कोर्क क्या है, सबसे आउटर वाली लेयर जिसको हम कहते हैं फेलोजन, जो कि कोर कैम्बियम में प्रोड्यूस होती है ओल्डर स्टेम, मतलब यंगर जो एफिड्रा है उसकी स्टेम के पास फेलोजन नहीं होगा, उसके पास फेलोजन नजर नहीं आता, ये कहां पे होता है बेटा, ओल्डर स्टेम के पास होता है। और फेलोजन का काम है पेरिडम को बनाना, बाहर वाली कवरिंग को बनाना, और यही पेरिडम आगे जाके बार्ग बनाती है, छाल बनाती है, जो छाल है छाल बाई की, जो आपको छाल नजर आती है किसी स्टेम की, काफी बड़े दरख्तों की जो बाई खुरदरा से छाल होती है बार्क होती है, वो बेसिकली पेरिड्रम से बनती है, और पेरिड्रम कहाँ से बनती है, फेलोजन से बनती है, और फेलोजन कहाँ पे होती है बेटा, ओल्डर स्टेम के पास होती है। ये इंटरनल एनाटॉमी है किसकी बेटा, एफिड्रा की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।